नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। अगर आपने अब भी अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं किया है तो आपके पास अब भी मौका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब आप इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। इससे पहले ये समय सीमा 30 सितंबर तक ही थी, लेकिन जब CBDT को पता चला कि अब भी बड़ी संख्या में कई लोगों ने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो फिर इसकी अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया। दरअसल CBDT के मुताबिक देश के 8.47 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से 6.77 करोड़ लोगों ने ही पैन आधार को लिंक कराया है। अगर आपने अब भी अपने पैन और आधार को नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड खराब हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiafiling.gov.in लॉगिन करें। क्विक लिंक्स ऑप्शन में दिए गए लिंक आधार पर क्लिक करें। अब आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। स्क्रीन पर एक हाइपर लिंक दिखेगा जिस पर क्लिक कर आप पैन आधार लिंकेज का स्टेटस देख पाएंगे। हाइपर पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन व आधार नंबर की डिटेल एंटर करनी होगी। डिटेल एंटर करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। इस पेज पर आप देख पाएंगे कि आपका पैन आधार लिंक है या नहीं। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप भी इंटरनेट पर ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, फिर क्विक लिंक के दूसरे ऑप्शन लिंक आधार पर क्लिक करें। आयकर अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद जो पेज खुलकर आए उसमें आधार, पैन और मांगी गई जानकारी भरें। कैप्चा कोड को सही तरीके से भरें। अब लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। आपको बता दें कि पैन कार्ड आयकर रिटर्न भरने के लिए जरूरी होता है। आयकर भरने के लिए अब इसका आधार से लिंक होना जरूरी है। ये सातवीं बार है जब आयकर विभाग ने इसे लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई है।